नमस्कार मित्रों, सक्सेसरो यूट्यूब चैनल में मैं आर गौड़ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत है। जैन साहित्य, जिसे रास साहित्य भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इस ट्री के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे। चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, और जिसको मात्र धर्मोपदेश कह करके रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की श्रेणी में नहीं माना, उसका तीसरा पार्ट जैन साहित्य, रास साहित्य, जिसे अपभ्रंश साहित्य भी कहते हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अपभ्रंश साहित्य निम्न में से है, और उसमें उत्तर जैन साहित्य होता है। इसे ही रास साहित्य कहा जाता है। ध्यान रखें, रासो साहित्य अलग है और रास साहित्य अलग। रासो साहित्य के साथ हम पढ़ेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति, यहाँ हम पढ़ेंगे रास साहित्य। अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य भी कहते हैं, या यूँ समझें कि जैन साहित्य को अपभ्रंश साहित्य भी कहते हैं। और उसका कारण ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास के साथ आदिकाल में जिस जैन साहित्य को पढ़ा जाता है उसके लगभग कवि, उनकी भाषा अपभ्रंश रही है, इसलिए इसे अपभ्रंश साहित्य भी कहा जाता है। संस्कृत में रास शब्द का अर्थ क्रीड़ा व नृत्य से लिया जाता है, और भरत मुनि ने इसे क्रीड़नीय कहा। वात्स्यायन ने उनकी जो रचना है कामसूत्र, उसमें गायन शब्द का उल्लेख भी इस रास शब्द के साथ किया है। और लोक साहित्य में रास शब्द कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया है, जिस तरह से रामलीलाओं का आयोजन होता था, और हम सब रामलीला बचपन में हमने खूब देखी है। और कृष्ण की जो लीला है उसे रासलीला कहा जाता है। तो ये लोक साहित्य में रास जो शब्द है वो कृष्ण की लीलाओं के रूढ़ हो गया। मित्रों, आप इन वीडियोस में से इन नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर ये वीडियोस देखें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, सुझाव दें, और नोट्स प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इसके बाद हम देखते हैं जैन साहित्य की प्रमुख शैलियाँ। ब्रैकेट में जो ट्रिक लिखी हुई है, आप आचरा, आ का अर्थ है आचार शैली, फा का अर्थ है फागु शैली, चै का अर्थ है चरित, और रा का अर्थ है रास, जिसका तात्पर्य है जैनों का लिखा गया जो साहित्य है उसकी चार शैलियाँ मिलती है। आचार शैली जैनों के यहाँ पर जो भी उपदेश प्रधान रचनाएं थी उन्हें आचार शैली कहा जाता है। काव्य शैली की सामान्यतया के लिए प्रसिद्ध जो ऋतुओं के वर्णन के लिए साहित्य लिखा गया था वो फागु कहलाता था। चरित उसे कहा गया जो किसी न किसी महापुरुष के चरित्र का वर्णन, उसके जीवन का वर्णन उसमें मिलता था, वो चरित कहलाता था। रास लीलागान, किसी भी महापुरुष के द्वारा किए गए कर्म, उनका उल्लेख, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी लीलाएं रास कहलाती थी। सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली जैन साहित्य के अंदर रास। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आरंभ करने से पूर्व, हमने आदिकाल को आरंभ करने से पूर्व पढ़ा था कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो श्री से आरंभ होती है, श्रावकाचार, जिसको लिखने वाले साक्षात देव। श्रावकाचार देव चूँकि 33 कोटि हैं, अतः याद रखें ये 933 ईस्वी की रचना है। इस रचना में श्रावक धर्म का वर्णन मिलता है। श्रावक शब्द क्या है, श्रावक शब्द का तात्पर्य क्या है? श्रावक शब्द से तात्पर्य है ये जैन गृहस्थ धर्म का आधार कहलाता है। इनकी अन्य हिंदी रचनाएं देवसेन की, देवों के दर्शन के लिए दर्शन सार, देवों के दर्शन के लिए हमारे जो नयन हैं
वो लघु करने पड़ते हैं, लघु नय चक्र। तो दो रचनाएं याद रखें, लघु नय चक्र, दर्शन सार। श्रावकाचार में 250 छंद मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि श्रावकाचार में कितने छंद मिलते हैं, 250। इसके बाद में स्वयंभू, जो अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं और अपभ्रंश के वाल्मीकि भी माने जाते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। स्वयं के काले बाल, ध्यान रखें जिन्होंने मेरे वीडियो को नियमित देखा है, ये मेरा दावा है, वो न केवल साहित्य को रट लेंगे बल्कि साहित्य को जी लेंगे। स्वयं के काले बाल अर्थात स्वयंभू कालिदास और वाल्मीकि कहलाते हैं, और पुष्पदंत, पुष्पदंत के जो भभूति हुई थी जिसको बेद जी ने यह कहा था कि यदि आप शिव जी के पुष्प चढ़ाएंगे तो आपकी भभूति तैयार हो जाएगी, अर्थात पुष्पदंत भभूति यानी भवभूति वेद जी ने कहा, अर्थात वेदव्यास। पुष्प शिव जी के चढ़ाने हैं, अर्थात शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को प्रथम कवि माना है। रामकाव्य लिखने वाले तो अपभ्रंश के वाल्मीकि, अपभ्रंश के कालिदास, और वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी थी। अतः ध्यान रखें स्वयंभू जिनको वाल्मीकि कहा जाता है, ये रामकाव्य लिखने वाले प्रथम जैन कवि हैं, जबकि पुष्पदंत जिन्हें वेदव्यास कहा जाता है, उन्होंने महाभारत लिखी जो कृष्ण से संबंधित है, वो कृष्ण भक्त कवि थे। स्वयंभू की जो रचनाएं हैं, रिठणेमी चरियु, स्वयंभू छंद और पौम चरियु। पौम चरियु अपूर्ण रचना है जिसको पूर्ण किया था इनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने। पौम चरियु अपूर्ण रचना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है स्वयंभू की अपूर्ण रचना कौन सी है, तो कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए ध्यान रखें, जब कुश्ती का जो दंगल होता है जिसमें 3, 4, 5, 10 राउंड तक होते हैं, ज्यों ही हॉर्न बजता है कुश्ती बीच में समाप्त कर दी जाती है। हॉर्न का मतलब, जैसे वो हॉर्न बजता है पौम, इसका मतलब जो पौम चरियु रचना है वो अपूर्ण है, पौम वो बजते ही रचनाएं कुश्ती जो है वो अधूरी यानी वहीं रोक दी जाती है, तो पौम चरियु अपूर्ण। इसके बाद में सालीभद्र सूरी, भरत की साली अर्थात भरतेश्वर बाहुबली रास की ये रचना, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है सालीभद्र सूरी, माफ़ कीजिएगा, सालीभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। रास जो है वो अभी हमने पढ़ा था आफाचरा में से एक शैली, जिसके टीकाकार गणपति चंद्र माने जाते हैं। अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास काव्य मुनि जिन विजय के अनुसार भरतेश्वर बाहुबली रास है। यहाँ जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको वापस देखें, अपभ्रंश प्रभावी प्रथम रास, वरना आदिकाल की प्रथम रास जो रचना है, रास परंपरा की प्रथम जो रास काव्य है वो माना जाता है उपदेश रसायन रास, लेकिन जब प्रश्न आता है अपभ्रंश प्रभावी तो मुनि जिन विजय के अनुसार भरतेश्वर बाहुबली रास जो सालीभद्र सूरी का लिखा हुआ है। इस रचना में अयोध्या के ऋषभ जिनेश्वर के दो पत्नियां सुनंदा और सुमंगला, सुनंदा का पुत्र भरत जो अयोध्या का राजा था, राम के भाई थे भरत और उससे याद रखें अयोध्या के राजा, और बाहुबली जो है वो तक्षशिला के राजा थे, उनकी वीरता का वर्णन है। इसमें वीर श्रृंगार व शांत रसों की प्रधानता है। सबसे पहले भरत और बाहुबली दोनों ने वीरता के साथ खूब वैभव को भोगा, इसलिए वीर और श्रृंगार का वर्णन है, और उसके बाद में शांत रसों की प्रधानता है। ऐसा क्यों, इस पर अभी चर्चा करेंगे, और ये जैन साहित्य की प्रवृत्तियों में से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये शांत रस का जो है वो क्या तथ्य है, क्या जुड़ा हुआ है जैन साहित्य के साथ। रटने के साथ साथ इन बातों को समझना भी है। 205 छंदों का एक खंड काव्य है, 205 छंद है, काव्य रूप इसका है खंड काव्य। अब बात करते हैं हम शांत रस की। रामचंद्र शुक्ल ने जो ये कहा था कि सिद्धनाथ और जैन साहित्य अर्थात रास साहित्य अर्थात अपभ्रंश साहित्य
जिनको धर्मोपदेश, हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तथ्य को नकारते हैं, वो कहते हैं यदि इस तरह से धार्मिक उपदेश पूर्ण जो रचनाएं हैं उनको साहित्य नहीं माने तो रामचरितमानस जैसी रचनाएं साहित्य से बाहर हो जाएगी और बहुत बड़ा भाग साहित्य से दूर हो जाएगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि अनुचित है। लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि मात्र धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से लिखा गया था, इसलिए इसे साहित्य नहीं माना जा सकता। सिद्धनाथ और जैन तीनों को ध्यान रखें, जैन साहित्य का ये और सिद्ध और नाथों का भी, इनका ये उद्देश्य था, ये जैन साहित्य में प्रत्येक रचना में ये बात लिखी हुई है कि व्यक्ति को अंततः मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाए। इसीलिए तक्षशिला और अयोध्या के शासक भरत और बाहुबली को अंत में शांत, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, अर्थात सांसारिक मोहमाया से विरक्ति का भाव। तो सांसारिक मोहमाया से विरक्ति हो गई और शांत रस की प्रधानता लिए हुए ये रचना है। चंदन वाला रास, चंदन की आशा, कवि आसकू के द्वारा 1200 ईस्वी की रचना, ये जालौर के अंदर इसकी रचना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात महत्वपूर्ण ध्यान रखें, जालौर में इसकी रचना हुई, ये बात बेजा इम्पोर्टेंट है, बेजा इम्पोर्टेंट है ये कि चंदन वाला रास जो कवि आसकू के द्वारा लिखी गई रचना इसकी जालौर में हुई थी। चंपा नगरी के दधिवान की पुत्री थी चंदनवाला, और चंदनवाला को कौसाम्बी के राजा सतानी के सेनापति द्वारा अपहरण करके एक सेठ को बेच दिया जाता है। सेठानी अत्याचार करती है, अंत में महावीर से दीक्षा व मोक्ष की प्राप्ति। अभी जो मैंने बात बताई थी वापस रिपीट हुई है, यहाँ पर देखें आप चंदनवाला रास में भी ऐसा बताया गया है कि अंततः व्यक्ति को कष्टों से, चाहे वो वीर है और उसने खूब वैभव को भोगा है, तो भी उसे अंत में मोहमाया से दूर होकर जैन धर्म में दीक्षित होना पड़ा, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे शारीरिक या मानसिक जो कष्ट है उनका निवारण भी, उनसे भी मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म के आश्रय से ही होगी। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में लिखे गए थे, ये बात भी महत्वपूर्ण है और हम सब जानते हैं। इसके बाद में है कि ये एक 35 छंदों का लघु खंड काव्य, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। इसमें करुण रस की प्रधानता है, क्योंकि चंदनवाला पर खूब अत्याचार हुए थे, वह दुखों में और कष्टों में उसने अपना जीवन यापन किया था, इसलिए करुण रस की प्रधानता है। और 35 छंदों का लघु खंड काव्य, फिर से देखें मित्रों, मैं छोटा वीडियो बनाने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए फिर से एक बार देखें कि सबसे पहले तो जैन साहित्य जिसको रास साहित्य कहा जाता है और इसे ही अपभ्रंश साहित्य कहा जाता है। संस्कृत में रास शब्द का अर्थ क्रीड़ा व नृत्य से लिया जाता था, भरतमुनि ने इसे क्रीड़िनीय कहा, वात्स्याय ने कामसूत्र गायन शब्द का उल्लेख किया। जैन साहित्य और ये कालांतर में कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। जैन साहित्य की चार शैलियाँ आफाचरा, जिसका अर्थ है आचार, फागु, चरित और रास। इसके बाद में श्रावकाचार, जो प्रथम रचना जैन साहित्य में हमने पढ़ी थी, जिसको लिखने वाले देवसेन, 933 ईस्वी की ये रचना, श्रावक धर्म और लघुनय चक्र, छोटे छोटे नेत्रों से दर्शन कर सकते हैं देवों के, 250 छंद इसमें मिलते हैं। स्वयंभू, स्वयं के काले बाल अर्थात कालिदास और वाल्मीकि, और पौंचर्यु, इनकी अधूरी रचना। शालीभद्र सूरी, भरत की शाली, भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, जिसमें सुनंदा और सुमंगला बाहुबली और तक्षशिला के राजा और भरत अयोध्या के राजा, सुनंदा के पुत्र भरत थे और सुमंगला के पुत्र बाहुबली। इसमें वीर और शांत रसों की प्रधानता है। चंदन वाला रास, कवि आसगू, रचना जालौर, इस तरह से जैन साहित्य जो कि अपभ्रंश साहित्य भी कहलाता है, 35 छंदों का लघु खंड काव्य, चंदन वाला रास और इसमें करुण रस की प्रधानता है।
मित्रों नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे जैन साहित्य का ही अगला पार्ट, जिसमें स्थूलिबद्रास, नेमिनाथरास, रेवंतगिरी, महापुराण, भविष्यत कहा, शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतावनी आदि जैसी रचनाएं। मेरा उद्देश्य न केवल वीडियो डाल देना है, बल्कि जितनी भी जो सामग्री है भले ही वो कम हो, लेकिन वो आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय तक रहे, स्थायी रहे, इसलिए ये छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद।